जैसे जैसे रूसी हमले बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे यूक्रेन अपने एक एक इलाकों पर से पीछे हटता जा रहा है। यही वजह है कि हार के मुहाने पर खड़े जेलेंस्की की छटपटाहट अब सबके सामने है। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के सहारे रूस को आंख दिखाने वाला यूक्रेन अब रणभूमि में कमजोर होता जा रहा है। पहले तो हथियारों और अब सैनिकों की कमी से यूक्रेन की मुश्किलें दोगुना रफ्तार से बढ़ी हैं। ऐसे में रूस के हालिया तेवर से अनुमान लगाया जा सकता है कि यूक्रेन के लिए आने वाले दिन और भी बुरे होने वाले हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि जेलेंस्की की खींच लगातार बढ़ती जा रही है। अब उनका अपने ही कमांडर से झगड़ा तक हो गया है। माना जा रहा है कि जंग के मुश्किल हालातों के बीच राष्ट्रपति ने सैन्य कमांडर से ही दुश्मनी मोल ले ली है। दरअसल द इकोनॉमिस्ट ने दावा किया है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की का मानना है कि उनके जनरल उनसे सच्चाई छिपा रहे हैं और उन्होंने उन पर चिल्लाना शुरू कर दिया है। खार्किव इलाके के हालात पर एक रिपोर्ट में राष्ट्रपति के गुस्से के कथित हमलों का खुलासा हुआ है। राष्ट्रपति कथित तौर पर ये महसूस करने के बाद कि उन्हें फ्रंटलाइन के मौजूदा हालात के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं मिल रही है, इसके चलते जेलेंस्की का यूक्रेनी जनरलों के साथ टकराव हो रहा है। दरअसल रूसी सेना ने पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन के कई महत्वपूर्ण बॉर्डर इलाकों पर बढ़त हासिल की है, जिसकी वजह से यूक्रेन को युद्ध मोर्चों पर बुरी तरह से शिकस्त झेलनी पड़ी है। ब्रिटिश न्यूज वीकली की माने तो रूसी हमलों के सामने कमजोर यूक्रेनी पक्ष देखकर यूक्रेनी सैनिक इस घटनाक्रम से खासे नाराज चल रहे हैं। युद्ध के मैदान पर सैनिकों का डोलता मनोबल यूक्रेन के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहा। इनमें से सैनिकों का एक तबका इस सब के पीछे अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों को दोषी ठहराता है, जिनके चलते यूक्रेन को समय पर मदद नहीं मिल पा रही है, चाहे वो आर्थिक हो या फिर सैन्य मदद। जबकि दूसरे पक्ष का अब राष्ट्रपति जेलेंस्की को लेकर संदेह बढ़ गया है। दावा है कि यूक्रेन पर रूसी कार्रवाई को देखते हुए पश्चिमी देशों ने अब यूक्रेन से दूरी बनानी शुरू कर दी है। वो यूक्रेनी सरकार को अब शक की नजरों से देखने लगे हैं। कीव और वॉशिंगटन के राजनेताओं को लेकर साजिश और षड्यंत्र रचने तक के आरोप लगने लगे हैं। इस बीच यूक्रेन के लोकल कमांडर डेनिस योरोस्लावस्की ने खुले तौर पर सरकार की गड़बड़ियों को उजागर किया है। उन्होंने खुलासा किया कि रूस को रोकने वाली किलेबंदी वास्तव में ढकोसले के सिवा कुछ नहीं थी। जेलेंस्की के सैन्य नेतृत्व के साथ तनावपूर्ण संबंध एक बार फिर खुलेआम हो गए हैं, जिससे यूक्रेनी सेना का जोश ठंडा पड़ता जा रहा है और इसका नतीजा ये हो रहा है कि जंगी मैदान में रूस ने यूक्रेन पर फिर से बढ़त बनानी शुरू कर दी है और यूक्रेन की सेना को पीछे खदेड़ने में काफी हद तक सफल भी रहा है। बहरहाल यूक्रेन को मुश्किल दौर में बाहर के साथ साथ अंदरूनी जंग में भी जीत हासिल करनी होगी, नहीं तो यूक्रेन के लिए आने वाले दिन बेहद मुश्किल और चुनौती भरे हो सकते हैं।